Bismillahirrahmanirrahim. The next point which we are going to discuss over here is about lymphatic system. Just like blood circulatory system, as you can see in this picture, there is a large network of another type of vessels which are known as lymph vessels. ये पूरे का पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी में, इसमें लिम्फ वेसल्स हैं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड है लिम्फ, प्लस इसमें लिम्फ नोड्स और लिम्फ मैसेस मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन पर्पस ये है टू रिटर्न द बॉडी फ्लूइड्स बैक टू द हार्ट। वो बॉडी फ्लूइड्स जो ब्लड कैपिलरी से लीक आउट कर गए थे, जो ब्लड कैपिलरी से लीक आउट होने के बाद दोबारा से हार्ट के अंदर पहुंचाने हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाने हैं, that is the duty of lymphatic system. इसके अलावा भी lymphatic system के बहुत से functions हैं, immunity में related है, lipid absorption से related है, इसको हम one by one discuss कर लेते हैं। First of all, हम इसके lymphatic system की जो nature है, या इसके अंदर जो components हैं, उनके हवाले से discussion करने जा रहे हैं। The vertebrate lymphatic system, it begins with a small vessel called lymph capillaries, as you can observe over here. ये हमारे पास कैपिलरीज का नेटवर्क है, जिसे रेड में शो किया गया है यहाँ पे। इट्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज रेड एंड ब्लू में, और जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ना बेटे, इसमें ग्रीन कलर का जो पोर्शन नजर आ रहा है, दैट इज द नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ कैपिलरीज। अब होता क्या है, इस डायग्राम को अगर आप फोकस करें, डायग्राम को जरा हम अगर जूम करें, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, कि ब्लड कैपिलरीज, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस एक्सचेंज होने, और इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में से बहुत से सब्सटेंसेस लीक आउट कर जाते हैं, दे मूव आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज। ये आ जाते हैं बेटा इंटरसेलुलर स्पेसेस में या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। जब ब्लड में से प्लाज्मा का कुछ पार्ट, लिक्विड कुछ पार्ट, या कुछ टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, या कुछ स्मॉलर प्रोटीन फ्रेगमेंट्स, स्मॉलर कंपोनेंट्स, जो इन पोर्स को, ब्लड कैपिलरीज के पोर्स को क्रॉस करके इधर आ जाएं इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो उसे हम नाम देते हैं टिश्यू स्पेसेस के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये आपको ब्लू एरोज नजर आ रहे होंगे इसमें बेटा, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। ये ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्स होती हैं, ये जो ग्रीन कलर की बनी है लिम्फ कैपिलरीज, इनकी ओपनिंग्स नहीं होती यहाँ पे, लेकिन ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहां से मूव कर जाता है into these lymph capillaries. जब ये lymph capillaries के अंदर tissue fluid या interstitial fluid आता है, तो उसको lymph capillaries में हम नया नाम दे देते हैं, that is lymph. Lymph की composition blood plasma से काफी हद तक resemble करती है, लेकिन उसमें जाहिर है blood cells तो नहीं आएंगे, except for few types of white blood cells जो यहाँ पे move कर जाते हैं. Otherwise, जो lymph है, ये tissue fluid से और प्लाज्मा से रिजेंबल कर रहा होता है। मोर क्लोजली इट रिजेंबल्स टू द टिश्यू फ्लूइड एंड लेस एट टू लेसर एक्सटेंट इट रिजेंबल्स टू द ब्लड प्लाज्मा एज वेल। फिर होता क्या है कि इन लिम्फ कैपिलरीज ने कलेक्ट होके, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह इन लिम्फ कैपिलरीज ने कलेक्ट होके बेटा लिम्फ वेसल्स बनानी है। देयर आर मल्टीपल लिम्फ वेसल्स व्हिच आर प्रेजेंट थ्रू आउट बॉडी, और ये लिम्फ वेसल्स एक सर्टेन पॉइंट्स पे लिम्फ नोड्स के अंदर कलेक्शन करेंगे कुछ कलेक्शन साइट्स पे, और फिर मेन हमारी चेस्ट कैविटी में एक डक्ट होती है, थोरेसिक लिम्फ डक्ट, उसमें इस लिम्फ को पहुंचाने के बाद सबक्लेवियन वेन के थ्रू ये सारे का सारा लिम्फ वापस हार्ट के अंदर चला जाता है। यहां पर बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, ये ब्लड कैपिलरीज में वापस क्यों नहीं चला गया। एक्चुअली ब्लड कैपिलरीज का पोर साइज कम है, और ब्लड कैपिलरीज में कॉन्टिन्यूस फ्लो भी है ब्लड का, जबकि लिम्फ में ऐसा इतना प्रेशर नहीं होता, इतना कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं होता, तो लिम्फ में लोअर प्रेशर और लार्जर पोर साइज की वजह से लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज इस टिश्यू फ्लूइड को पिकअप करेंगी और रिटर्निंग ऑफ बॉडी फ्लूइड में हेल्प करेंगी, सारा फ्लूइड हार्ट के अंदर या सर्कुलेटरी सिस्टम में दोबारा वापस भेजने में हेल्प आउट करेंगी। इससे रिलेटेड चंद एक मजीद पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनको देखिएगा बेटे। टू कलेक्ट एंड drain most of the fluid that seeps from the bloodstream, blood capillaries, and accumulates in the extracellular fluid, as tissue fluid, as interstitial fluid. उसको वापस भेजना, ये एक function है इसका. To return small amount of proteins that have left the cells. Cell में से कुछ proteins को
जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गई है उनको भी वापस भेजना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा लैक्टियल, लिपिड एब्जॉर्प्शन में जो लिम्फ वेसल हेल्प करती हैं, वो भी एक इसका फंक्शन है। एंड टू ट्रांसपोर्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड सेलुलर डेब्रिस टू डिस्पोजल सेंटर्स कॉल्ड लिम्फ नोड्स, वहां पे डिस्पोज ऑफ होंगे फॉरेन पार्टिकल्स या जो सेलुलर डेब्रिस वगैरह। इसके अलावा कुछ लिम्फ नोड्स में वाइट ब्लड सेल्स की कुछ टाइप मेच्योर भी होती है, एंड दैट इज नाउन एज द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन इम्यूनिटी एज वेल। अगर आप इस डायग्राम को देख सके, इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिम्फ फ्लो, कि लिम्फ कैसे फ्लो कर रहा होता है। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ब्लड मौजूद था, यहां से जो लीकेज हुई वो लीकेज लिम्फ कैपिलरीज के अंदर कलेक्ट हुई। पहले लिम्फ कैपिलरीज ने उसको कलेक्टिंग लिम्फ वेसल्स, जिन्हें एफरेंट लिम्फ वेसल पढ़ा हुआ आपने, AFFER से एफरेंट अराइवल, इन अराइवल लिम्फ वेसल से कुछ साइनसेस कुछ नोड्स के अंदर जो है वो ऐड कर दिया, दैट इज नोन एज लिम्फ नोड। आप एक चीज नोट कीजिएगा, एक नोड तक आने वाली जो एफरेंट अराइवल वेसल्स हैं दे आर मल्टीपल, एफरेंट और अराइवल वेसल्स दे आर मल्टीपल, बट उसको एग्जिट करने वाली जो वेसल है, जो एग्जिटिंग वेसल है जिसे हम कहते हैं इफरेंट, इट इज सिंगुलर। इफरेंट वेसल्स जो इस नोड को ड्रेन आउट करेगी, इट इज ड्रेन आउट बाय एग्जिटिंग लिम्फ वेसल, और ये एग्जिटिंग लिम्फ वेसल मेन थोरेसिक लिम्फ डक्ट के अंदर जाने के बाद, ये देखिए थोरेसिक लिम्फ डक्ट, ये हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होगी, पूरी बॉडी से सारे का सारा लिम्फ उस थोरेसिक डक्ट में आएगा, और थोरेसिक डक्ट कनेक्टेड होती है सबक्लेवियन वेन के साथ, जो अल्टीमेटली आप कह लें ब्लड को हार्ट के अंदर जो है वो रिटर्न कर देगी। इट मींस ये पूरा पाथवे है जो बॉडी टिश्यूज के अंदर फ्लूइड लीक आउट हो जाते हैं वो कैसे रिटर्न होते हैं। ये हमारे पास कुछ ब्लड सेल्स जो है वो लीक आउट हो रहे हैं, इसके अलावा जो है वो कुछ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, ये ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ वाइट ब्लड सेल्स हैं इम्यून सेल्स के टाइप्स मैक्रोफेजेस वगैरह, वो भी लीक आउट कर जाते हैं जस्ट अ पिंचिंग अमीबा, जैसे अमीबा जो है वो मूव कर रहा होता है अपनी शेप चेंज करके, इन स्मॉलर पोर्स से ये भी मूव आउट कर जाते हैं, और फिर ये लिम्फ वेसल के अंदर बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह बैकवर्ड फ्लो जो है बाकी ऑर्गन्स की मदद से होता है, ताकि फ्लूइड को वापस ले जाया जा सके। और लिम्फ वेसल्स में बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह सेमिलिनर वेल्व्स भी मौजूद है, दीज सेमिलिनर वेल्व्स दे आर प्रिवेंटिंग बैकवर्ड फ्लो, यानी टूवर्ड्स द हार्ट तो लेके जाएंगे ब्लड को, उसको वापस जो है वो टिश्यूज की तरफ नहीं जाने देंगे। तो सेमिलिनर वेल्व्स की वजह से ब्लड वेसल्स में जो वेन्स हैं और लिम्फ वेसल्स हैं दे रिजेंबल टू ईच अदर। अभी हमने बात की दैट स्मॉलर लिम्फ कैपिलरीज विच आर फाउंड थ्रू आउट बॉडी कैविटी दे फॉर्म दे कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स थिन वॉल्ड वेसल्स हैं विद वेल्व्स दैट इंश्योर वन डायरेक्शन और यूनिडायरेक्शनल ब्लड लिम्फ फ्लो। और लिम्फ क्या है, इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट एक्युमुलेट्स इन द लिम्फ वेसल। अभी अभी हमने बात की कि ब्लड इंटरसेलुलर टिश्यू स्पेसेस में जाएगा तो उसको टिश्यू फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देंगे। वही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जब एक्युमुलेट होके लिम्फ वेसल्स के अंदर आ जाता है मेरी बेटी, तो लिम्फ वेसल्स में उसको नाम दिया जाएगा इट्स लिम्फ। दीज वेसल्स पास थ्रू लिम्फ नोड्स। हमारी पूरी बॉडी में आपको ये लिम्फ नोड्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जो रीजन होता है ग्रोइन का रीजन थाइस के साथ, या जो एक्जिला का रीजन है आर्मपिट्स में आर्मपिट्स के साथ, एक्जिला और ग्रोइन रीजन में ये नोड्स रिलेटिवली ज्यादा होते हैं, एक्जिलरी लिम्फ नोड्स इंजॉइनल लिम्फ नोड्स ये रिलेटिवली ज्यादा है। देयर आर नो लिम्फ नोड्स इन द ब्रेन। फिर थ्रॉट रीजन के अंदर टॉन्सिल्स एडिनॉइड्स ये नेसोफेरिक्स रीजन के अंदर होते हैं, थायमस ग्लैंड चेस्ट कैविटी में लार्जर लिम्फ नोड है इसको लिम्फ मैस कहेंगे, टॉन्सिल्स को भी लिम्फ मैस एडिनॉइड्स को भी लिम्फ मैस, जो लार्जर कलेक्शन साइट्स है ना लिम्फ की उन्हें लिम्फ मैस कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो लिम्फ मैस है दैट इज स्प्लीन, यहाँ पे ये स्प्लीन किडनीज के साथ जो मौजूद है इस लार्जर लिम्फ मैस। फिर हमारे पास कुछ पैचेस हैं पायस पैचेस इनको कहा जाता है, थ्रोट स्मॉल इंटेस्टाइन मिलते हैं।
इसको शो किया गया। इसके अलावा कुछ जो है वो नीज के अंदर भी पॉपलाइटल लिम्फ नोड्स उनको यहाँ पे शो किया गया इस डायग्राम में। ये लिम्फ नोड्स कलेक्शन साइट्स हैं और लार्जर लिम्फ नोड्स में ये ड्रेन आउट होगा अल्टीमेटली और वहां से थोरासिक लिम्फ डक्ट से वापस। इन एडिशन टू प्रीवियसली मेंशन पार्ट द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। स्प्लीन होता है मैमल्स के अंदर और बुड्स ऑफ फैब्रिशियस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। बर्ड्स में बाकी लिम्फॉइड मैस के साथ साथ एक बुड्स ऑफ फैब्रिशियस है जहां पे लिम्फोसाइट बी सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे। लिम्फोसाइट बी जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे। इसके अलावा बेटा लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो वाइटल टू एन एनिमल्स डिफेंस अगेंस्ट इंजरी एंड अटैक। जैसे हम बात कर रहे थे कि बाहर से आने वाले डेब्रिस वगैरह उसको क्लियर करता है या कुछ इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है डिफेंस सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स एक दफा दोबारा से देख लीजिए। एक तो होगा सर्कुलेटिंग फ्लूइड, इसमें दैट इज लिम्फ। सर्कुलेटिंग फ्लूइड के साथ साथ इसमें लिम्फ कैपिलरीज हैं जो हर जगह पे हर टिश्यू में से फ्लूइड को कलेक्ट कर रही हैं। देन देयर आर लिम्फ नोड्स एंड लार्जर लिम्फ मैसेस लिम्फ ऑर्गन्स सच एज थायमस एंड स्प्लीन। स्प्लीन फिल्टरिंग करती है ब्लड की, फैगोसाइटोटिक लिम्फोसाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है, रेड ब्लड सेल की स्टोरेज एंड रिलीजेस ब्लड टू द बॉडी व्हेन ब्लड इज लॉस्ट। इसके अलावा ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की डिग्रेडेशन यहाँ पे हो रही होती है इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन को। थायमस ग्लैंड एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम इज अ साइट ऑफ एंटीबॉडीज इन द न्यू बॉर्न एज इन मैमल्स। इट इन्वॉल्व इन द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। दिस इज द ओनली ऑर्गन जो चाइल्डहुड से अडल्ट स्टेज के दरमियान इंक्रीज करता है और फिर अडल्ट स्टेज के दरमियान अडल्ट स्टेज से फाइनल स्टेज तक इसका जो साइज है वो रिड्यूस करना शुरू हो जाएगा। थायमस ग्लैंड रिड्यूसेस इन साइज विद द प्रोग्रेसिंग एज आफ्टर अडल्ट स्टेज। बुड्स ऑफ फैब्रिशियस से बात कर चुके हैं, ये बर्ड्स का एक जो है ऑर्गन एट द लोअर एंड ऑफ द बर्ड्स इन देयर एलिमेंट्री कैनाल और ये बी सेल्स की मैच्योरेशन की साइट्स है बर्ड्स के अंदर। बुड्स ऑफ फैब्रिशियस की वजह से ही हम लिम्फोसाइट की इस टाइप को लिम्फोसाइट बी नाम देते हैं बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दैट वाज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम इट्स फ्लो। ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही काम करता है लेकिन ये ज्यादा रिजेंबल करता है वेनस सिस्टम से और इसका काम होता है रिटर्निंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, इम्यूनिटी में रोल प्ले करेगा, लिपिड एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगा क्योंकि लिपिड जो लार्जर फैटी एसिड्स हैं वो ब्लड में डायरेक्ट जाने की बजाय लिम्फेटिक सिस्टम से होके दोबारा यहाँ तक पहुंचेगी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लिम्फेटिक सिस्टम?